हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब देखें इमर और इफ्सन का क्या बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स इफ्सन ने उसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फ्रेंड्स वो सब जगह की जो सेवदा और इमेरा उनके दरमियान सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड जो इमेरा उसने डिसाइड कर लिया है अपने फीलिंग्स के बारे में इफ्सन को बताने का, क्योंकि फ्रेंड उसको रियलाइज़ हो गया कि वो इफ्सन से ही प्यार करता है। लेकिन फ्रेंड सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, तो देखें फ्रेंड्स अब क्या होता है नेक्स्ट और कैसे सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि फ्रेंड जो सेव्ड है उसको लेकर जो इफ्सन है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगी और अपने आप उसके अंदर जो जेलिसी है वो इंक्रीज़ होगी और फ्रेंड्स वो अपने आप को अली की गर्लफ्रेंड शो करवाएगी इमर के आगे ताकि उसको भी जेलिस कर सके। तो फ्रेंड्स जो इमर है अब देखिए फ्रेंड्स कैसे सब कुछ हैंडल करता है और इफ्सन को अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बताता है, क्योंकि फ्रेंड जो इफ्सन है वो अली और जो है अली को यूज़ कर रही है इमेज के अंदर जेलिसी क्रिएट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड से इमेज है वो डिसाइड करता है इफ्सन से बात करने के लिए और फ्रेंड जो इमेज है इफ्सन को बताने के लिए आते अपने फीलिंग्स के बारे में प्रपोज करने के बारे में, लेकिन फ्रेंड जो इफ्सन है उसको रोक देगी और पहले उससे कुछ खुद बात करेगी और फ्रेंड जो इमेज है उसको वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ देगी। तो देखें फ्रेंड्स अब इमेज का क्या बनता है और जो इफ्सन है वो क्या करने जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स वो इमर से कहती है कि कल से उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि जो इफ्सन है उसने एक बिग डिसीजन लिया जो शॉकिंग डिसीजन होगा, हो सकता है कि वो लीव भी कर जाए। तो देखिए फ्रेंड्स अब इमर क्या करता है और कैसे इफ्सन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले इमर उसको कुछ बताया इफ्सन उसे बता कर बहुत बड़ा शॉक देगी। तो देखिए फ्रेंड्स अब इफ्सन क्या करती है और इमर और इफ्सन के रिलेशनशिप का क्या बनता है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है और इमर और इफ्सन के रिलेशनशिप में हम देखें कितनी ज़्यादा और डिफ़िकल्टीज आएंगी। होप करते हैं कि फ्रेंड्स जो इमर है वो इफ्सन को जल्द से जल्द सब कुछ बता दे इससे पहले कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो देखिए फ्रेंड्स फिर क्या बनता है नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान और इमर अब क्या करेगा। Thank you for watching. See you until the next video. Take care. Allah Hafiz.